हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू NSK ज्ञान। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme 8 Pro स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि Realme ने Realme X7 सीरीज को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है, बट उसके बाद काफ़ी कस्टमर्स का कमेंट आना शुरू हो गया है कि भाई ये बताओ कि Realme 8 Pro स्मार्टफोन हमें कब तक इंडिया में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फाइनली बात करेंगे इसी स्मार्टफोन की सभी स्पेसिफिकेशन के बारे में कि इसके अंदर आपको कौन कौन से इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे और कब तक और कितने प्राइस पॉइंट में ये फ़ोन इंडिया के अंदर आएगा। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी टेक वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो इसके अंदर आपको 6.67 इंचेस की फुल HD+ के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, जिसमें आपको पंच और डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा। और दोस्तों, फिंगरप्रिंट आपको इन डिस्प्ले मिलेगा जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगी। और इसी के साथ आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिलेगी। एंड अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर मिलेगा जो कि डुअल 5G की कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है और ये 8nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। और अगर बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 मिलेगा जो कि रियलमी के लेटेस्ट वर्जन रियलमी UI पर बेस्ड होगा। और अब बात कर लेते हैं इसके कैमराज के बारे में। तो इसके रियर साइड में आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिलेगा जिसका मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का होगा। जी हाँ दोस्तों, रियलमी के किसी भी स्मार्टफोन में अभी तक आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को नहीं मिला है। और इसी के साथ आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस होगा। और इनके साथ में एक LED फ्लैश भी मिलेगी। वहीं पर अगर बात करें इसके सेल्फी कैमरे के बारे में, तो इसके फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का एक सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा भी मिलेगा। एंड अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो इसके अंदर आपको 5000 mAh तक की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके साथ आपको 65W की सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आपको मिलेगा USB Type-C पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक, IR ब्लास्टर जैसे फीचर। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर 3 वेरिएंट में लॉन्च होगा, 6GB+120, 8GB, 8GB+120, 8GB और 8GB+256GB। और अब फाइनली बात कर लेते हैं इसकी प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों, इंडिया के अंदर इसके बेस वेरिएंट की शुरुआत हो सकती है 22,000 से 25,000 रुपये के बीच में। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर मार्च के फर्स्ट वीक तक मिल सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।